हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए एचपी का एक बजट गेमिंग माउस का डिटेल रिव्यू लेके आए हैं, जिसका रेंज है 450 टू 500 रुपीज़। 600 इसका एमआरपी है, लेकिन 450 टू 500 में आप लोगों को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वो माउस, इसका ओवरव्यू देख लीजिए, इसका जो डिटेल्स है वो भी देख लीजिए। लाइक 600 इसका प्रिंटेड प्राइस रहता है, लेकिन 450 टू 500 रुपीज़ में मिल जाता है ये आप लोगों को। और ये कुछ वाइट एंड ब्लैक कलर्स में आते हैं, तीन कलर्स, लेकिन मैं ब्लैक कलर मंगाया हूँ। और ये नीचे कुछ स्पेसिफिकेशन है, चाइनीज़ में लिखा है, मेड इन चाइना है मोस्टली, तो चाइनीज़ में लिखा हुआ है। और ये कवर का ओवर व्यू है एंड गेमिंग माउस मॉडल नंबर लिखा है। और ये अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, जो कि कुछ काम का नहीं रहता है। मेन है आपका जो यूनिट, वो हम लोग देखेंगे अभी। ये यूनिट है, यहाँ पे यूनिट आप लोग को मिल जाएगा। अभी यूनिट को ओपन करते हैं और देखते हैं। ये एक्चुअली आपको जो लॉजिटेक का 102 है ना, डिटो वैसे ही दिखता है, वैसे ही डिज़ाइन है, सब कुछ वैसे ही है। लेकिन आप अगर होल्ड करोगे उसको साइड बाय साइड, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। लाइक इसका प्लास्टिक थोड़ा मतलब बिलो एवरेज प्लास्टिक ऐसे लगता है। और इसका जो स्क्रॉल है ना, स्क्रॉल बहुत ख़राब लगा मेरे को। लाइक ऐसे लगता है कि स्क्रॉल मिस हो रहा है, ऐसा स्क्रॉल है ये। और क्लिक्स ओके ओके है, इतना खास नहीं है। मैं अभी साइड बाय साइड इसको आपको दिखा दूंगा। एक चीज़ है इसमें, क्या है ना, एक ईयर का वारंटी लिखा रहता है पैकेट में, लेकिन जो अपना अमेजोन है उसमें 3 ईयर्स का लिखा रहता है। वो एक डीमेरिट है, वो आप ध्यान रखिए जब आप ऑर्डर करें। ये देखिए साइड बाय साइड लॉजिटेक का G102 एंड HP का माउस, बिल्कुल सेम आप बोल सकते हो, कुछ डिफरेंस नहीं। साइज़ थोड़ा सा स्मॉल है, बाकी सारा कुछ सेम है, डिज़ाइन विजाइन सब सेम है, लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस रहता है। और सेंसर इसका G102 का बहुत ही बढ़िया है, मैं 2 साल से यूज़ कर रहा था। इसका डिटेल रिव्यू लेके आने वाला हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए 2 साल के बाद, जस्ट वारंटी ख़त्म हुआ और प्रॉब्लम्स आए, तो इसका एक डिटेल रिव्यू लेके आने वाला हूँ मैं, उसके लिए आप वेट कीजिए। देखो अभी मैं वीडियो में आपको क्लिक सुनाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरा फीडबैक मैं दे देता हूँ। इसका जो क्लिक्स है, जो HP का क्लिक है, बहुत ही फसी लगता है। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि क्लिक रजिस्टर हो रहा है, थोड़ा ऑड ही लगता है। मतलब डायरेक्टली आप यूज़ करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं ये G102 जो एक बजट सेगमेंट में एक अच्छा सा माउस है उसका कंपेयर कर रहा हूँ। नो डाउट ये 1500 में आता है, ये 500 में आता है, लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, ओवरऑल आइडिया। लाइक इसका जो स्क्रॉल है बहुत ही मतलब स्मूथ रहता है, ऐसा लग रहा है स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन जो HP का स्क्रॉल है ना, वो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा मिस हो रहा है स्क्रॉल। मैं वो गेमिंग में भी देखा, गेमिंग में भी मार के जब स्क्रॉल कर रहा था वो मिस हो रहा था थोड़ा। फाइनली मैं बोल देता हूँ आप लोगों को क्या करना चाहिए। अगर आप लोग एक बिगिनर हो, लाइक स्टार्टिंग अभी खेलना स्टार्ट किए हो, नॉर्मल गेमिंग करते हो, डे टू डे यूज़ के लिए लेना चाहते हो, तो इसको ले सकते हो। अगर आप लोग थोड़ा कम्पिटिटिव गेम खेलते हो, डेली मैचेस खेलते हो, तो इसको इग्नोर ही कीजिए। आप थोड़ा पैसा लगा के 1000-1500 के रेंज में आप ले सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।